देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। बिग बॉस 13 की फेम सहनाज गिल के बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। ये बात सभी जानते हैं कि वो पंजाब की एक मशहूर एक्ट्रेस है। वो काफी दिनों से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद सोशल मीडिया कैमरे तथा लाइमलाइट से काफी दूर थी। अब खबरें सामने आ रही है कि उनका एक फिल्म हौसला रख के प्रमोशन के दौरान वो सामने आई है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया है अपने ब्रेकअप के बारे में, जिस पे अफवाहें फैल रही है उस पे उन्होंने जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस अफवाह के बारे में क्या जवाब दिया है। सहनाज गिल ने कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ की याद में एक म्यूजिक वीडियो तू ही यही है रिलीज किया है, जो सोशल मीडिया पर फैंस को इमोशनल करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान उन्होंने जूम को दिए इंटरव्यू में ब्रेकअप को लेकर फैल रही अजीब अफवाहों पर जवाब देते हुए हंसकर कहा, वो कहते हैं मेरा ब्रेकअप हुआ था जो कभी नहीं हुआ। उनके अंदाज से साफ जाहिर है कि वो ऐसी अफवाहों की परवाह नहीं करती हैं और वो इन पर जवाब देना भी बखूबी जानती हैं। आपको बता दें कि सहनाज और सिद्धार्थ ने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया। दोनों एक दूसरे को एक परिवार की तरह ट्रीट करते थे और हर मौके पर एक दूसरे के साथ नजर आ जाते थे। सिद्धार्थ के निधन के बाद सभी को सहनाज की चिंता हो रही थी। कई सेलेब्स ने बताया था कि सहनाज की खराब हालत देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। बिग बॉस में सिद्धार्थ को लेकर अपनी पसंद खुलकर जाहिर कर चुकी सहनाज उनके निधन के बाद पूरी तरह टूट गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने साफ तरीके से जाहिर कर दिया है कि उन दोनों के बीच कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। यानी कि इससे साफ ये भी खुलासा होता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपस में अपने रिश्ते को लेकर कोई खुलासा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और सिद्धार्थ की मौत के बाद सहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। हालांकि कुछ लोग इस वक्त में भी उन्हें अफवाह फैलाने और ऐसे लोगों के टूटे हुए दिल को जोड़ने के बजाय लोग तोड़ने में लगे रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सहनाज गिल कितने दिनों तक और अपना सिक्का जमा पाती है अपने फिल्म इंडस्ट्री में, और हो सकता है कि आगे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रखे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।